फिर से स्वागत करता हूं आपका बिहार बोर्ड के नंबर वन चैनल में। जी हां दोस्तों, यानी आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियली मॉडल पेपर के पैटर्न पर आधारित। इस मॉडल पेपर को आज हम लोग कवर करेंगे जिसमें से आपको 70 से 80% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आप इस मॉडल पेपर को पूरी तरह से लास्ट तक देखेंगे और अपने दोस्तों में एक बार तो वीडियो को आप लोग एक बार जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। चले गाइस, हम लोग सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी जो एम एस स्वामीनाथ का जो संबंध था तो यानी वो किससे था, तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया होगा, नीली क्रांति से, श्वेत क्रांति से, ऑपरेशन फ्लड से, उसके बाद हरित क्रांति से। तो जैसे कि आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी हरित क्रांति से। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। 1995 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदी से नहीं था, यानी जो 1995 को जो वर्षा संधि हुआ था तो उनमें से कौन सा देश इन चारों में से यानी उसका सदस्य नहीं था। तो दूसरा नंबर का जो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी पोलैंड इसका मतलब सदस्य नहीं था। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी। जो आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है इसका राइट आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कार्ल मार्क्स दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ फ्रेडरिक एंजल्स दिया हुआ है, उसका लेनिन दिया हुआ है, स्टालिन दिया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर। तीसरा का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेनिन जो 1917 में रूस समाजवादी राज्य की जो स्थापना किया था, लेनिन का काफ़ी ये भूमिका रहा मतलब इसमें 1917 के समाजवादी राज्य की स्थापना करने में। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि तमिलनाडु में कौन सा क्षेत्र पार्टी सक्रिय है। जैसे कि आपको पता होगा कि तमिलनाडु की एक पार्टी है जो अन्ना डीएमके के पार्टी के नाम से जाना जाता है, तो ये बहुत काफ़ी यानी वो फेमस है वहाँ। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ, तो अन्ना डीएमके कहाँ है, यानी ऑप्शन नंबर ए में है आपका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। पूरी तरह से अगर एक्सप्लेन करूंगा तो पूरा बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में सिर्फ आंसर बताने का प्रयास करता हूं। अगर आप इसकी तरह के अगर पूरी तरह से अगर डीप नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएंगे कि आपको डीप नॉलेज चाहिए, तो मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करके आपको हम बताएंगे। चलिए फिर हम लोग पाँचवा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में सक्रिय है। जैसे कि आपको पता होगा कि राष्ट्रीय जनता दल ये काफ़ी बहुत पुराने पार्टी है, और जैसे आरजेडी हो गया, जेडी हो गया, ये पुराने पार्टी काफ़ी है। तो ये आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो जैसे कि आपको पता होगा कि राष्ट्रीय जनता दल जो है भारत के किस राज्य में सक्रिय है, वो बिहार राज्य में यानी सक्रिय है। काफ़ी पुरानी पार्टी है और ये बिहार में काफ़ी दिनों से मतलब इसका मतलब काफ़ी पकड़ है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग छठा क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है छठा क्वेश्चन में कि पंचशील समझौता किसके किसके बीच हुआ था, यानी जो पंचशील समझौता जो हुआ था तो किसके और किसके बीच हुआ गया था। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो ये हुआ था पंचशील समझौता भारत एवं चीन के बीच हुआ था, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा आपके स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नवा दस आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नवा नंबर क्वेश्चन कि पर्यावरण विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है, यानी पर्यावरण विकास विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, सांझी त्रासादी, हमारा साझा भविष्य, मात्र एक पृथ्वी, टिकाऊ विकास। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी हमारा साझा भविष्य। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है, यानी सरदार सरोवर योजना जो है ये किस नदी पर स्थित है। पहला गंगा नदी दिया हुआ है, यमुना नदी दिया हुआ है, उसके नर्मदा नदी दिया हुआ है, दामोदर नदी दिया हुआ है। तो ये सरदार सरोवर योजना जो है किस नदी पर है, यानी नर्मदा नदी पर है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नवा जो आपके स्क्रीन पर है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। जो ये ब्रेजनेव थे जो ये किस देश के राष्ट्रपति थे, आपको पता होना चाहिए ये स्वेत संघ के थे, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, यानी सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा कि कश्मीर के भारत में विलय पर किसके हस्ताक्षर किए थे। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, राजा हरि सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी राजा हरि सेन। ठीक है, राजा हरि सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है, यानी हमारी जो नियोजन व्यवस्था है ये किस विचारधारा पर यानी आश्रित है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं, दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था, यानी दूसरी दुनिया का जो आशय था तो ये किन देशों से था। तो 12 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कम्युनिस्ट देशों से। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें, किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया है, यानी किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया है। तो 13 का आपका जो राइट आंसर होगा, आपको पता होगा कि ऑप्शन नंबर
डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी छठी योजना को। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो जैसे कि पता होगा कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थाई जो थे वो आपको पता ही होगा कि ये जो बी आर अम्बेडकर दिया हुआ है क्या होगा, यानी 14 नंबर का आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी संविधान के जो अध्यक्ष थे अस्थाई अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो चुनाव आयोग का जो गठन किया गया था तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी जनवरी 1950 में इसका गठन किया गया था भारत में योजना आयोग का, ठीक है, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा कि 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति थे, यानी 1995 में जो आपातकाल यानी घोषणा करने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 16 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं था, उसमें ज्ञानी बैजल सिंह था, नीलम संजीव रेड्डी, जाकिर हुसैन, तो इसमें से यानी कोई नहीं था, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? जुल्फिकार अली भुट्टू और इंदिरा गांधी के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी और चीनी के प्रधानमंत्री के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू और कोसीजिन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि 17 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी जुल्फिकार अली भुट्टू और इंदिरा गांधी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी, यानी जो 1959 में जो स्वतंत्र पार्टी जो यानी जो किसने बनाया था? तो 18 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। विश्वास प्रस्ताव के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा था? यानी विश्वास प्रस्ताव के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा था? 19 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर। किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही का एक अपरिहार्य आवश्यकता है? ठीक है, आप कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, लॉस्की, उसके बाद क्या है, एम मार्क्स, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 20 का राइट आंसर विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी लॉस्की। ठीक है गाइस, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दें अपने दोस्तों में। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नवनिर्माण आंदोलन यानी नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है इसमें कि नागरिक स्वतंत्रता संघ से किसका नाम जुड़ा है, यानी नागरिक स्वतंत्रता संघ से किसका नाम जुड़ा हुआ है? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, वीएम तारकुंडे। आपको अगर डीप अगर समझाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट आंसर में देना ही कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्या कहता है इसमें कि 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या था, यानी 1975 के जो आपातकाल की घोषणा जो करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो 23 का आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, यानी ज्ञानी जेल सिंह, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको कंफ्यूज लग रहा है, अगर इसका राइट आंसर आपको पता है 23 का तो इसका आंसर आप हमें बताएंगे। इससे पहले मैं इस क्वेश्चन को कवर किया हूँ, अगर इसके बारे में पूरी तरह से अगर आपको मालूम है तो हमें आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। फिर देखिएगा 24 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 24 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। काश्मीर के भारत के में विलय पर किसके आपत्तित है, यानी आपत्तित है, ठीक है, कश्मीर के भारत में विलय पर किसके आपत्तित है? तो हरियत, कांग्रेस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पैथेंस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इसका क्या हो जाएगा, 25 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी हुरियत कांग्रेस, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि वह कौन सा राज्य है जिससे पहले उपराज्य बनाया गया फिर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन होगा ये एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि अक्सर बार हर बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन को। तो ये जो होगा आपका यानी 26 का, तो आपका इसका विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, यानी मेघालय को पहले यानी क्या गया था वो, यानी उपराज्य बनाया गया था, बाद में उसे राज्य का दर्जा मिल गया था। फिर चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें कि 1996 के चुनाव के बाद बनी पहली गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री कौन बना, यानी 1996 के जो चुनाव के बाद पहली गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री कौन बना था? तो आपको पता होना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी भी बना था, क्या है,
ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 27 का आपका, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा। किसने कहा कि समाजवाद फांसीवाद का रूप है, ठीक है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हो, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बी आर अंबेडकर जी। तो देखिए 28 का जो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी आर अंबेडकर। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। भारत में शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में कौन सी विचार शामिल नहीं था, यानी भारत में जो शुरुआती दौर में जो विकास की जो नीति अपनाई उनमें से निम्नलिखित में कौन सी विचार शामिल नहीं था। तो 29 का आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उदारीकरण। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है, आपके सामने चार ऑप्शन दिया है, विश्व युद्ध से, शीत युद्ध से, उसके बाद क्या तनाव शैथिल्य से, उत्तर शीत युद्ध से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, शीत युद्ध से। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया था, जिसे 2001 में अमरीका ने मिटा दिया था। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ, ईरान, ठीक है, पाकिस्तान, इराक, अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 का आपका राइट आंसर विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अफगानिस्तान। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्यों के हेतु परमाणु समझौते का सबसे समर्थन किया था, ठीक है। तो जो भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ जो असैनिक कार्यों के हेतु परमाणु समझौते का मतलब क्या किया था, इसमें सबल समर्थन किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मनमोहन सिंह द्वारा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। क्या अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी का हमला कब हुआ था, यानी जो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी जो हमला जो किया गया था, तो जैसे कि आपको पता होगा 33 का आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 11 सितंबर 2001 को। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। कि जून 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, यानी जून 1992 जो मैं पृथ्वी सम्मेलन हुआ था तो कब हुआ था, तो 34 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी रेडियो जेंडियो में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत के जो दूसरे जो राष्ट्रपति बनाया गया था, तो 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी CMS राधा कृष्ण जी, यानी दूसरे राष्ट्रपति थे, सर्व राधापल्ली कृष्ण जो, यानी उसको उपराष्ट्रपति बनाया गया था फिर, ठीक है, तब उसे राष्ट्रपति भी चुना गया था। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई थी, यानी जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की जो स्थापना हुआ था, तो यानी कब हुआ था, 36 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1957 में। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है, मिजोरम को पूर्ण राज्य दर्जा कब मिला था। ये जो मिजोरम को जो है पूर्ण राज्य का जो दर्जा मिला गया था, तो मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, तो ये 1986 में 1990 में 1995 में। तो इसका 37 का आपका राइट जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1986 में, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कि किसने स्वेच्छ संघ में यानी पेशिका की शुरुआत की थी। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ, 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मिखाइल गोरचव ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। कि कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था, यानी कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो आपको पता होगा कि सिराज गोपाल जारी जी था, जो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार का क्षेत्र दल है, ठीक है, बिहार का जो क्षेत्र दल है, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी लोक जनशक्ति पार्टी है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर यानी अवस्थित है। 41 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी जेनेवा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेहरू राजनीति उत्तरदायित्व के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी मानी जाती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, यानी 42 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कामराज। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। कांग्रेस भंग कर लोक स्वराज्य संघ का गठन करने का सुझाव किसने दिया, ठीक है, दिया था माउंटबेटन ने, दिया था जयप्रकाश ने, दिया था महात्मा गांधी ने, दिया था MS राय ने दिया था। तो जो है यानी 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी हो जाएगा।
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा कि 1956 में भारत राज्यों का पुनर्गठन, 1956 में भारत है यानी 1956 में भारतीय राज्यों का पुनर्गठन का आधार क्या था, यानी जो है, यानी जो यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ध्यान रखिएगा इसमें, तो क्या हो गया, यानी 44 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 1956 में जो भारतीय राज्यों का पुनर्गठन का जो आधार था तो ये क्या था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर, सॉरी हम थोड़ा कंफ्यूज में थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी भाषा होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र या राष्ट्र चार्टर स्वीकार किया गया, यानी संयुक्त राष्ट्र जो चार्टर जो स्वीकार किया गया था, यानी कब किया था, 45 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यानी सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी सैन फ्रांसिस्की में, ठीक है, फ्रांस इसको मैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो भारत ने लंबे समय संघर्ष के बाद स्वतंत्र पाई थी, तो आपको पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत यानी आजाद मिला था भारत को। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि 1967 में के सामान्य निर्वाचन में कांग्रेस को कितने स्थानों के विजय हासिल हुई थी, तो जैसे आपको पता होगा कि 47 का आपका राइट जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 283 सीटों से वो ये क्या था विजय प्राप्त किया था। तो क्या कह रहा है, 1952 में आम चुनाव में कांग्रेस को यानी कांग्रेस को यानी कितने परसेंट यानी वोट उसको मिला था, ठीक है, आम चुनाव में 1952 के फर्स्ट आम चुनाव जो हुआ था, यानी वो 1952 से हुआ था, और उसको यानी कितना परसेंट यानी मिला था, यानी 74.3% यानी उसको मिला था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा 48 का। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है, स्वतंत्र दल का जन्म कब हुआ था, यानी स्वतंत्र दल का जो जन्म हुआ था 49 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1959 में, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जैविक हथियार संधि कब हुई थी, जो जैविक हथियार संधि जो हुआ था 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1972 में। तो गाइज ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, इसलिए सब क्वेश्चन को मैं कवर नहीं करूंगा, और इसको अगर पूरी तरह से अगर आप अच्छे तरह से अगर प्रिपरेशन का कर लेते हैं तो आपको 60 से 70% यानी इससे क्वेश्चन आपको यानी देखने को मिलेगा, तो बेहतर है कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आप एडमिशन कर लेते हैं तो ये सारा चीज आपको यानी प्रोवाइड किया जाएगा, पांच पांच सब्जेक्ट का पांच पांच मॉडल पेपर आपको दिया जाएगा। इस नंबर पर एक बार कॉन्टेक्ट कीजिएगा, 9162055090 आपका यानी एडमिशन हो जाएंगे, ठीक है। कुछ भी अगर त्रुटि हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए यहीं तक मैं वीडियो को एंड करता हूं, जय जवाहर।